हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना से और ये हम लोग का स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले के लिए हिंदी माध्यम का चैनल है। मेरे बच्चों, आप लोगों में कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, सर बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ साथ मैंने आपको न्यूज भी मैं दिखाऊंगा कि देखिए न्यूज में क्या है और सच में उसी समय में रिजल्ट आएगा। और हर साल आता है वो पूरा मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, मतलब एक तरह से ना आपके दिमाग का टेंशन खत्म हो गया। बस जो बच्चे अभी 12th में गए हैं या 11th में गए हैं, उनसे मैं कहूंगा पूरे साल भर ना आप लोगों का मैं मदद करने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, या आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि मैं कितना मदद करता हूं, आपको खुद पता चलेगा। जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना मेरे लिए काफी हेल्पफुल हुआ। तो तैयार हो जाइए, चलिए देखिए मैं न्यूज पे आता हूं। और जो 12th के बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए है क्या कि मैं उनसे थोड़ा सा ना एक रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के लास्ट में, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो एक बात जग जाहिर है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट सबसे पहले आता है, एग्जाम सबसे पहले होता है, कॉपी फटाक से चेक होता है, फटाक से, चाहे अच्छा कॉपी चेक हो खराब कॉपी चेक हो उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें होती है, रिजल्ट भी सबसे पहले आता है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर मार्च के बाद अप्रैल में आएगा या कब आएगा या रिजल्ट में लेट होगा, तो देखिए बिहार बोर्ड मेरे बच्चों रिजल्ट निकालने में सबसे फास्ट है, मतलब उनके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ना अवार्ड भी मिल चुका है, जो आनंद किशोर हैं बिहार बोर्ड के, आप लोगों को पता होगा, तो इनको मिल चुका है अवार्ड भी इसके लिए, तो आप इसके लिए तो टेंशन नहीं लीजिए। देखिए जब कोरोना काल था उस समय में बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट, मतलब सबका एग्जाम नहीं हुआ और बिहार बोर्ड एग्जाम लेके रिजल्ट रिजल्ट सब निकाल दिया था, और इसके लिए उनको अवार्ड वगैरह ही मिला था कि इतना सुरक्षित उन्होंने एग्जाम लिया और सारी चीजों को करवाया। तो आप ये टेंशन नहीं लीजिए कि बिहार बोर्ड रिजल्ट में देर करेगा, सबसे पहले पूरी इंडिया में रिजल्ट निकालता है, सबसे पहले एग्जाम लेता है, सबसे पहले रिजल्ट निकालता है खट से एकदम। तो इनको अवार्ड मिला था। अब देखिए थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में अगर आऊं कि किस ईयर, फिर न्यूज में दिखाता हूं किस ईयर कब कब रिजल्ट आया। देखिए तो है क्या ना कि पीछे के 3-4 सालों से, मतलब 2018 की बात अगर हटा दूं तो, क्योंकि 2018 में बहुत हल्ला हुआ था बिहार बोर्ड में, जो क्वेश्चन हुआ था एग्जाम जो पड़ा था बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था, बहुत लेवल का, तो बहुत सारे बच्चे फेल कर गए थे 2018 का, तो उसको हटाइए। 2019 से जो रिजल्ट्स वगैरह आ रहा है बहुत फास्ट आ रहा है, मतलब देखेंगे 2019 में मेरे बच्चों 30 मार्च को रिजल्ट आया है, 20 में 24 मार्च को, 21 में 26 मार्च को, 16 मार्च को लास्ट ईयर आ गया है, ठीक है। तो इससे एक चीज तो पता चलता है कि मार्च में आ जाएगा, मतलब बहुत जल्द है। मेरा खुद का मानना है कि जो रिजल्ट आएगा 20 मार्च तक, 20 मार्च 25 मार्च 15 से लेके 25 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कॉपी चेक खत्म हो गया है, बस रिजल्ट अपलोड होगा आपके 15 से लेके 25 मार्च तक, यानी बस बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं लेनी है। इस वीडियो को ना स्टेटस में जरूर लगाएगा। देखिए मैं न्यूज आपको दिखाता हूं, मेरे कहने से क्या होगा, न्यूज वाले को ज्यादा पता होता है ना, तो उन लोगों को पता होता है सारी बातें कि कहां पे क्या हो रही है। देखिए अगर मैं एक न्यूज इसमें दिखाऊं आप लोगों को, हिंदुस्तान का न्यूज है, आप लोगों को पता होगा, ये तो कोई फेक होगा नहीं, कुछ लोगों को लगेगा ये एडिट कर दिया, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, हालांकि ऐसा हम लोग टीचर लोग नहीं करते हैं। देखिए रिफ्रेश कर दिया, देखिए देखेंगे तो बिहार बोर्ड 10th 12th रिजल्ट डेट 2023, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। बाद में कभी कभी क्या करता है न्यूज वो वाला, एडिट कर देता है, अभी कुछ लिखा है बाद में हटा देगा, जबकि ये सब ऑफिशियल न्यूज है। देख रहे हिंदुस्तान वगैरह कोई छोटा मोटा न्यूज है नहीं, ये देखिए हिंदुस्तान का न्यूज है, मतलब ये सब के बात पर भरोसा नहीं करेगा तो किसके बात पर भरोसा करिएगा। इसको पढ़ के देखिए थोड़ा, मैं इसको जूम करता हूँ, कहाँ से ये जूम होगा मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको जूम करता हूँ और पढ़ के जरा देखिए क्या लिखा हुआ इसमें। हाँ हो गया, पढ़ के देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए बिहार बोर्ड 10th 12th रिजल्ट डेट 2023 लिखा हुआ यहाँ पे कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट मार्च महीने में घोषित किया जाएगा, वही मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च तक या अप्रैल, देख रहे 31 मार्च तक, थोड़ा छोटा करता हूं एक सेकेंड, हाँ देखिए लिखा हुआ है मेरे बच्चों कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट 31 मार्च तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया दिया जाएगा, ठीक है। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने संवाददाता सम्मेलन में दे दिया था, ठीक। अब बुधवार को कार्यालय में जो आयोजित हुआ है संवाददाता सम्मेलन, उसमें आनंद किशोर ने बताया कि इंटर और मैट्रिक का मूल्यांकन शुरू हो चुका है, ठीक है। इंटर का मूल्यांकन 24 से 5 मार्च तक चलेगा, वहीं मैट्रिक का 5 मार्च तक, देखिएगा इंटर का मूल्यांकन 5 मार्च तक चलना था, यानी कि कॉपी चेक खत्म हो गया, क्योंकि आज तो 9-10 तारीख हो गया, तो कॉपी हो गया खत्म, चेक करना इंटर का खत्म हो गया, रिजल्ट अपलोड होगा आ जाएगा। वहीं मैट्रिक का मूल्यांकन 1 से 12 मार्च तक होगा, ठीक है। तो मैट्रिक का लेट होता थोड़ा आने में, उन्होंने बताया
कि बच्चे अगर देखेंगे इंटर का कहां गया, इंटर का यानी इंटर का एक रिजल्ट कॉपी चेक होना खत्म हो गया, तो अगर कॉपी चेक खत्म होना हो गया तो आप यही समझिए कि आपका रिजल्ट बच्चों खूब तो 25 मार्च तक यहां कहीं तो देखा था। एक सेकेंड, अच्छा देखिए समझिए, जब आपको आनंद किशोर खुद बताए संवाददाता सम्मेलन में कि मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च तक आ जाएगा तो इंटर का उसके पहले आता है। देखिए मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च तक अप्रैल के पहले आ जाएगा, खुद आनंद किशोर बताए संवाददाता सम्मेलन में। तो आप ऐसे समझिए कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट ना आपको पहले आ जाएगा, 15 से लेकर 20-25 के बीच में आ जाएगा, यानी 10 दिन में 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मिठाई वगैरह लेके रखिएगा, ठीक। अब रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं साल भर, देखो बच्चों पिछले साल तक मेरा कोई पेड कोर्स था नहीं, मतलब मैं YouTube पे सेवा दे रहा था, लेकिन YouTube पे बहुत सारी कमियां दिखी क्योंकि सीरियस वाले बच्चों को ज्यादा मदद करना है, तो ऑब्वियस बात नोट्स होमवर्क जिनको अच्छे से पढ़ाई करना है तो वो देना है, तो इसलिए मैंने एमिंग हाई ऐप पे कोर्स लाया है। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उस कोर्स में ना वीडियो लेक्चर और नोट्स मैंने फ्री रखा है, मतलब अनलॉक रखा है, ठीक है, ताकि जो भी सीनियर मतलब आप लोग जो ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे कि ट्वेल्थ का एग्जाम दे दिए हैं और फिजिक्स अच्छे से पढ़े नहीं, अब उनको लग रहा है कि सर हमको फिजिक्स बढ़िया से पढ़ना है, कहां से पढ़े, तो टेंशन मत लीजिए, एस मनी सर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए वो अनलॉक कर दिया है, आप जाके प्लीज पढ़ लीजिए क्योंकि आगे आपका नौकरी करना है, सीखना है आपको, और अगर लर्निंग नहीं लीजिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे बिना लर्निंग बिना सीखे ही पास कर जाते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी आगे के लाइफ में, आगे के लाइफ में नौकरी तभी लगेगा जब आप लर्निंग लीजिएगा। तो इस ये छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, बाकी जो ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे अगले साल 2024 में, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह क्लिक कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। आप भी एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, देखिए मैं बता देता हूं, जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, हाँ देखिए जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होगा ना कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये नीचे चार ऑप्शन दिखेगा, एक होम और एक स्टोर, तो स्टोर पे जब क्लिक करेंगे तो स्टोर के अंदर बच्चों प्रारंभ बैच दिखेगा, या बहुत सारा बैच दिखेगा, प्रारंभ बैच अभी स्टार्ट हुआ है, तो प्रारंभ बैच को जब क्लिक करके खोलेंगे तो ऊपर में ओवरव्यू दिखेगा और बगल में कंटेंट दिखेगा, कंटेंट के अंदर ना सब कुछ, बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, किसी का भी क्लास करना, सबका अलग अलग फोल्डर बना हुआ मिलेगा, अंदर जाके आप क्लास कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेस अनलॉक है वो पढ़ सकते हैं, बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो को स्टेटस में जरूर लगाइएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चों तो कॉल करके जरूर बताइएगा, ये नंबर हम लोग ऑफिस का है, पता है ना आप लोगों को, 9905-94-80-08 है कि नहीं, ये याद होगा आप लोगों को, तो इस पे कॉल करके जरूर बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा, और मिठाई जरूर लेके आइएगा पटना आइएगा, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, जय हिंद वंदे मातरम, बस पढ़ते रहिए बच्चों और लाइफ में खूब आगे जाइए, थैंक यू।